हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन ठाकुर ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो अभी भी मेरे मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया एंड वो मेरे को कह रहा है कि भाई आजा मेरे घर पे, आजा हम लोग चलते हैं कहीं पे, कि प्लान कर रखा है उसने कुछ। बट प्रॉब्लम एक ही है कि आज मेरे पास में बाइक नहीं है, तो बाइक नहीं है तो मैं पैदल जाना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो मैं जा रहा हूँ उसके पास। हाँ, तो जैसे कि हमने बताया था यार, मैं ना अभी जा रहा हूँ, बट हमारे पास में बाइक नहीं है तो अभी हम पैदल पैदल चल रहे हैं। साथ में मेरा ये दोस्त भी है, बट इसको शर्म आ रही है, कह रहा है मैं तेरे ब्लॉग में नहीं आऊँगा। ठीक है, तो चलते हैं, अभी आगे चल के दिखाते हैं भी क्या करने वाले हैं हम लोग। फाइनली यार, अपना हमारे पास में हमारा एक दोस्त आ चुका बाइक लेकर के, तो अब हमें बाइक तो मिल गई, अब हम लोकेशन पे पहुंच रहे हैं। लोकेशन पे पहुंचने के बाद में हम आगे की जो भी कार्यवाही हम करने वाले हैं वो हम आपको दिखाते हैं। तो गाइज, ये हमारी आ चुके हैं यहाँ पे बारबेक्यू का ग्रिल सेट है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसके अंदर कोयला डालेंगे। कोयला हमें इसको थोड़ा सा, हम कोयले की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोयला लेकर के आए हैं। ठीक है, तो हम हमारा कोयला ठीक ठाक है। ठीक है, ताकि मोटा कोयला रहेगा तो जल्दी आग जलेगी एंड लेट तक। यार यहाँ पे मैं ना कोयले को जलाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि कोयला काफ़ी मोटा था तो जलने में काफ़ी टाइम हो गया है उसको, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसके अंदर बस। और हमारे पास में टाइम की ऑलरेडी थोड़ी सी शॉर्टेज थी, तो मेरे फ्रेंड ने क्या किया, ऑलरेडी जो भी इंग्रेडिएंट्स हमें ऐड करने थे वो भाई ने पहले से ऐड कर दिए थे। देखो हमारा जो, तो काफ़ी अच्छा था, धीरे धीरे पकना स्टार्ट हो चुका है। अब देखो यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, और यार दीपेंद्र हम लोग देख रहे हैं ना, तो मतलब एकदम लग ही नहीं रहा कि हम लोग ये घर पे बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम किसी शॉप पे खड़े हुए हैं वहाँ से बनवा रहे हैं। तो गाइज फाइनली बहुत मेहनत करने के बाद में हमारा जो चिकन है वो बन के रेडी हो चुका है, एंड अब हम लोग जा रहे हैं इसको खाने के लिए। अगर आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग।